हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन नर्सिंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल का एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं कैथेटराइजेशन। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा एनजी ट्यूब इंसर्शन, वो क्या होता है। सो आज हम इसमें पढ़ेंगे कैथेटराइजेशन क्या होता है। ठीक है, कैथेटराइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्यूब और अ कैथेटर थ्रू यूरेथ्रा इनटू यूरिनरी ब्लैडर टू ड्रेन ब्लड। मीन्स क्या कि जो अपन एक ट्यूब है, ट्यूब या कैथेटर को अपन यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में डालते हैं, जिससे वहाँ का जो यूरिन है वो अपन ड्रेन कर सके। ये किस पेशेंट्स में होगा, जिस पेशेंट में जो ये सेल्फ यूरिन पास आउट नहीं कर सकते या फिर बेड रिडन पेशेंट होते हैं, उनके अंदर अपन ये यूज़ करते हैं कैथेटराइजेशन, जिससे क्या कि अपन यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी कर सके। ठीक, अब देखते हैं अपन पहले इसका कि जो फीमेल्स में और मेल्स में यूरेथ्रा का लेंथ कितना है। पहले लेंथ कितना होता है, सो मेल्स के अंदर होता है 19-20 सेंटीमीटर लॉन्ग यूरेथ्रा। ठीक है, और जो फीमेल्स के अंदर होता है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और 6 सेंटीमीटर कितना होता है, ये 6 mm इन डायमीटर, 6 mm होगा और जो लेंथ होगी वो 4 mm इन फीमेल्स। अब इसके टाइप्स देखेंगे अपन, कैथेटर के टाइप्स कौन से हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, कैथेटर कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। सो वो कौन से हैं, फर्स्ट आएगा इसमें इंडवेलिंग कैथेटर, जिसको अपन कॉमनली बहुत सुना है अपन ने, फॉलिस कैथेटर या फिर रिटेंशन कैथेटर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्डम कैथेटर, जो मेल्स और फीमेल्स का अलग अलग आता है पर कॉन्डम कैथेटर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है रबर कैथेटर, या जिसको बोल सकते हैं अपन स्ट्रेट कैथेटर या नॉन रिटेंशन और इन एंड आउट कैथेटर। सो ये तीन टाइप के अपन, अब इनको वन बाय वन देखते हैं अपन कि इसमें क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहले अपन देखेंगे इंडवेलिंग कैथेटर। इंडवेलिंग कैथेटर के अंदर फर्स्ट आता है टू वे इंडवेलिंग कैथेटर। मीन्स क्या कि इसके एक पार्ट होता है बैलून पार्ट होता है, और एक होता है जिसे अपन ड्रेन करते हैं, यूरिन को ड्रेन करते हैं। ये दो पार्ट, सो टू वे, दो रास्ते हैं, इसलिए इसका नाम है टू वे कैथेटर। सो बैलून पार्ट क्या काम आता है, जो ये अंदर बैलून है उसको इन्फ्लेट और डिफ्लेट के अंदर यूज़ करते हैं, और जो ये पार्ट है दिस वन पार्ट, इससे क्या करते हैं अपन यूरिन आउटपुट है या यूरिन ड्रेनेज करेंगे अपन, यूरोबैग से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इसके अंदर यूज़ करते हैं, और बैलून पार्ट के अंदर बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे, क्योंकि कैथेटर को जब इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद फिक्स करने के लिए बैलून पार्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि जब इन्फ्लेट होने के बाद ये इन्फ्लेट कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकले, इसलिए ये टू वे में ही ये करते हैं। अब नेक्स्ट है थ्री वे। थ्री वे में क्या है कि सेम ऐसे ही है, बट इसमें एक और ऐड हो जाएगा। सो एक पार्ट होता है बैलून पार्ट, जो मैंने बताया एनएस को यूज़ करके उसको इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट और डिफ्लेट में काम आता है। नेक्स्ट है जो यूरोबैग से कनेक्ट करेंगे, और अपन उससे क्या होगा, यूरिन आउटपुट लेंगे नीचे। ठीक है, और अब होता है ये नेक्स्ट CBI। मीन्स क्या कि कंटिन्यूस ब्लैडर इरीगेशन के अंदर अपन थर्ड वाले पार्ट को यूज़ करेंगे। मीन्स क्या कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको वॉश करने के लिए या इरिगेट करने के लिए अपन इसको थर्ड वाले पार्ट को यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं CBI, कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन। ठीक है, इसके अंदर सेम वही होता है, बैलून पार्ट होता है और जो ओपनिंग होती है अंदर। ठीक है, सो अब इसके अंदर क्या होता है कि डन आफ्टर ट्रूप TRUP फॉर CBI। मीन्स क्या है कि एक सर्जरी होती है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ये एक सर्जरी होती है, वो किस कंडीशन में होती है, ये होता है PPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में अपन एक सर्जरी करते हैं ट्रूप, उसके अंदर ये CBI वाला यूज़ करते हैं अपन। मीन्स थ्री वे इंडवेलिंग कैथेटर अपन यूज़ करते हैं उस टाइप पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं अपन इनके रिटेंशन टाइम क्या है। जो प्लास्टिक कैथेटर है उसको अपन एक वीक तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फिर रिमूव कर देंगे, और जो रबर कैथेटर या सिलास्टिक या लेटेक्स कैथेटर है उसको यूज़ करते हैं अपन 2-3 वीक्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीवेनाइल क्लोराइड कैथेटर, वो यूज़ करते हैं अपन 4-6 वीक्स के लिए, और मैक्सिमम होता है सिलिकॉन वाला कब तक, 2-3 मंथ्स, 2-3 महीने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम रिटेंशन टाइम सिलिकॉन वाले की है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपन को।
अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें क्वांटम कैथेटर। क्वांटम कैथेटर कैसे हो सकते हैं, प्लास्टिक या रबर के दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जब क्वांटम कैथेटर को लगा देंगे अपन, सो उसके बाद अपन उसको हर थर्ड मतलब लगाने के बाद 30 मिनट बाद में अपन उसको जो पेनिस है उसको ये देखेंगे कि उसका सर्कुलेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब जो ये क्वांटम कैथेटर है उसको हर 24 घंटे के अंदर अपन चेंज करेंगे, न्यू लगाएंगे, ठीक है। ये अब क्वांटम कैथेटर है वो किसके अंदर यूज़ करते हैं, ये उस पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं जैसे जो कोई पेशेंट पैरालाइज्ड हो या ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके अंदर, या कोई यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है जिसके अंदर, उन पेशेंट्स के अंदर अपन यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें लास्ट वन है जो रबर कैथेटर अपन देखा जिसके ये सारे नाम हैं। सो उसके अंदर एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है K90 के कैथेटर यूज़ करते हैं। सो इसमें क्या है कि इट इज़ यूज वन टाइम, एक वन टाइम के लिए यूज़ करते हैं, एक बार के लिए इसके लिए, और इसका पर्पस है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको खाली करना, बस ये पर्पस इसका। अब एक अदर टाइप में आता है जिसको बोलते हैं कॉर्ड टिप कैथेटर। कॉर्ड टिप कैथेटर में क्या होता है कि ये बस इसमें सेम टू वे वाला ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो ये टिप है ये थोड़ी सी कर्व्ड होती है, सी शेप या कर्व्ड टिप, ठीक है, ये होती है। और इसमें कॉमनली कभी यूज़ करते हैं, किस पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं, ये जो एनलार्ज्ड प्रोस्टेट होता है उस पेशेंट्स के अंदर, जो पेशेंट्स का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज्ड हुआ उनके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूरिनरी कैथेटर की जो साइज़ है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट कितना साइज़ है, और जो साइज़ है उसको अपन फ्रेंच में नापते हैं, यूनिट इसकी क्या होती है फ्रेंच में, ठीक है। सो जो 0 से 6 मंथ के अंदर 6 फ्रेंच का यूज़ करते हैं, 1 ईयर के अंदर 6 to 8 फ्रेंच का यूज़ करते हैं, ऐसे टू वे दो साल 3 साल 4 साल इन सब का ये यूज़ करना है। सो अपन को मोस्टली तो क्या देखना है, अपन को मेल कैथेटर और फीमेल कैथेटर साइज़ देखनी है। सो मेल कैथेटर में क्या होता है, 16 to 18 फ्रेंच का होता है, और फीमेल का दो फ्रेंच कम कितना होता है, वो होता है 14 to 16 फ्रेंच का, ठीक है। अब ये तो साइज़ हो गई, अब देखते हैं इसकी पोजिशंस, मीन्स कौन सी पोजिशन में कैसे लगाते हैं, मेल्स के अंदर कैसे लगाते हैं, फीमेल्स के अंदर कैसे लगाते हैं, कौन सी पोजीशन देते हैं उस टाइम पे। सो पोजीशंस में आएगी सबसे पहले मेल्स के अंदर ये अपन उसको सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे पेशेंट को, और जो पेनिस है उसको 90 डिग्री होल्ड करके रखेंगे, देन फिर बाद में इंसर्ट करेंगे इसको, तब ये मेल्स के अंदर सुपाइन पोजीशन देते हैं। एंड फीमेल्स के अंदर देते हैं डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, मीन्स क्या डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे, क्यों, क्योंकि जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं, ठीक है, इसलिए अपन डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देते हैं, और जो एब्डोमिनल मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगी, और जो पेरिनियल एरिया है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, जिससे यूरेथ्रा में इंसर्ट करना इजीली हो जाएगा। और मेल्स के अंदर सुपाइन पोजीशन में 90 डिग्री इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि उसका जो यूरेथ्रा है वो स्ट्रेट हो जाए और उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपन कैथेटर को, ठीक है। अब अपन इंसर्शन देख लेंगे, बट उससे पहले होता है जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसको क्लीन कैसे करेंगे। सो फीमेल में तो अपन सेंटर टू पेरिफेरी करेंगे, मींस क्या जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ आएंगे ऐसे करते, ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे। और मेल्स के अंदर आएगा फ्रंट टू बैक, फ्रंट से करेंगे पहले फिर बैक की तरफ जाएंगे फिर, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी यूज़ करेंगे, ज़ाइलोकोन जेली, जो कि लोकल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। अब इसमें यूरेथ्रा में ये देख लिया अपन ने, अब इसका देखेंगे कितना जो कैथेटर है उसको लुब्रिकेट करेंगे जिससे अपन इंसर्ट कर सकें। सो फीमेल्स के अंदर क्या होगा कि 2.5 सेंटीमीटर उसको क्या करेंगे अपन लुब्रिकेट करेंगे। और मेंस के अंदर क्या होगा, मतलब मेल्स के अंदर होगा वो 12.5 सेंटीमीटर to 17.5 सेंटीमीटर उसको इतना क्या करेंगे लुब्रिकेट करेंगे जिससे इंसर्ट कर सकें। और इसको इंच में देखें तो 5 to 6 इंच, ठीक है, ये है। अब इंसर्शन ऑफ कैथेटर, कैथेटर को इंसर्ट कितना करना है,
मीन्स क्या कि मेल्स के अंदर कितना करेंगे और फीमेल्स के अंदर कितना करेंगे। मेल्स के अंदर अपन करते हैं 7 से 9 इंच इंसर्ट करेंगे अपन, और 1 इंच में कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर का होता है, सो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। और फीमेल्स के अंदर करेंगे 3 इंच, 3 इंच इंसर्ट करेंगे, और मेल्स के अंदर 7 से 9 इंच, ठीक है। नाउ अब आती है सबसे मेन चीज़ जो कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं इफ़ पेशेंट गेट ब्लैडर स्पाज्म और पेन, सो जेंटली मैनिपुलेट द कैथेटर टू चेंज द पोजिशन ऑफ बैलून रेस्टिंग ऑन द नेक ऑफ द ब्लैडर। मीन्स क्या कि अगर पेशेंट को स्पाज्म आ रहा है ब्लैडर में, स्पाज्म या उसको पेन फील हो रहा है, सो उस टाइम पे क्या करेंगे, जो बैलून पार्ट है उसके पोजीशन चेंज कर देंगे रोटेट करके, ठीक है। सो फिर वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो जो ड्रेनेज है, यूरिनरी ड्रेनेज, जो यूरिन का ड्रेनेज है, वो कितने टाइम में देखते हैं, वो एवरी 8 आवर, मतलब हर 8 घंटे में उसको एम्प्टी करेंगे यूरो बैग में एम्प्टी करेंगे उसको, फिर बाद में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और देख लेंगे कितना क्या है। और इसके अंदर ये ध्यान रखना है अपन को, जो यूरिन आउटपुट देखना है वो आई लेवल पे देखेंगे, मींस क्या आई के लेवल पे देखेंगे ये यूरिन आउटपुट कितना हुआ है। और नेक्स्ट क्या है कि डिफ्लेट इज द फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी ड्यूरिंग कैथेटर रिमूवल। मीन्स क्या कि जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है सबसे मेन, कि अगर अपन कैथेटर को रिमूव कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले उसको डिफ्लेट करें, बैलून पार्ट को डिफ्लेट करें, तभी तो निकलेगा। वैसे नहीं अपन उसको रिमूव कर सकते क्योंकि वो और कुछ कॉज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि रोटेट कैथेटर इफ़ यूरिन इज नॉट पास आउट, अगर अपन ने इंसर्ट कर दिया कैथेटर में, कैथेटर को यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट कर दिया और अपन के पास ये जो यूरो बैग में यूरिन नहीं आ रहा, तो अपन उसको थोड़ा सा क्या है कि रोटेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, कैथेटर को डिसइंफेक्ट किससे करते हैं, कैथेटर को डिसइंफेक्ट करते हैं साइडेक सॉल्यूशन होता है 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड, 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड होता है साइडेक सॉल्यूशन, उससे अपन कैथेटर को डिसइंफेक्ट करते हैं। सो यहाँ तक ये टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।